नमस्कार, मैं हूं सौरभ नागवंशी। अपल पॉइंट टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। और लगातार हम लोग ओपेक्स स्टूडियो के बारे में देख रहे हैं, ओपेक्स स्टूडियो के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं कैसे ये डेवलपर को हेल्प करता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूजर मैनेजमेंट के बारे में जाना था। इसके जस्ट बाद रिसाइकिल बिन का पार्ट आता है। रिसाइकिल बिन में आप देखेंगे कि जितने भी टेबल्स हैं, यहाँ पे आपको टेबल सेलेक्ट करना होता है। स्टूडेंट के अंदर मैनेज में जाते हैं तो कुछ डेटा हम लोगों ने इंपोर्ट किया हुआ था लास्ट वीडियो में। मैं इसमें से कुछ डेटा को सिलेक्ट करके और यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के लिए मैं यहाँ से जब पूछता हूँ तो ये कहता है 4 आइटम्स रिमूव सक्सेसफुली, और हमारा जो 18 डेटा था वो अब 14 डेटा बच गया है। यहाँ से मैं 2 डेटा और रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल 12 डेटा बचा हुआ है। और डेवलपर टूल्स के जब रिसाइकिल बिन ऑप्शन में मैं जाता हूँ, और यहाँ से क्योंकि ये स्टूडेंट से डेटा डिलीट हुआ था तो ये डेटा स्टूडेंट में ही मैच करेगा, तो मैं स्टूडेंट से यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जो 6 डेटा वहाँ से डिलीट हुए थे, ये 6 डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और जैसा कि रिसाइकिल बिन का प्रॉपर्टी होता है कि यहाँ से 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है जो परमानेंटली डिलीट के लिए एग्रेसिव होता है कि डिलीट परमानेंटली, और सेकंड होता है आपको रीस्टोर का। तो यहाँ पर रीस्टोर करने के भी 2 तरीके हैं। आप सिंगल सिंगल डेटा को रीस्टोर कर सकते हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलरली इसी डेटा को रीस्टोर करना चाहता हूँ, डू यू वांट टू रियली वांट टू एक्टिव दिस रिकॉर्ड, मैंने यस किया। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक रिकॉर्ड आपका कम हो गया, 6 से 5 रिकॉर्ड हो गए। और यहाँ पे जब आते हैं तो एक रिकॉर्ड आपके बढ़ के, और इस तरह से एक डेटा हमारा फिर से रिवर्स हो चुका है। मैं इधर से 3 डेटा को फिर से रिमूव कर देता हूँ। सॉरी, ये अगर डिलीट होगा तो यहाँ पे एक वार्निंग जो होता है, ये डिलीट ऑल सिलेक्टेड डेटा, आर यू सी टू परमानेंटली डिलीट, नो इट्स माई मिस्टेक, और मैं इसको रिमूव करना चाह रहा था, यस रिमूव। तो इस स्टेप से हमारे पास 10 रिकॉर्ड इधर बच गए। और रिसाइकल बिन में जब जाते हैं पर्टिकुलर इसे स्टूडेंट वाले में, तो वहाँ पे देखेंगे कि आपके 8 रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आप टोटल के टोटल रिकॉर्ड को आप रिस्टोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेक कर लेते हैं, और चेक करने के बाद आप उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को रिस्टोर पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे रिस्टोर आपको करना होगा। ये रिस्टोर करने से ऑटोमेटिक रूप से यहाँ से डेटा जो है फिर से वापस मूव हो जाता है। ये रिसाइकल बिन का हमारा टास्क होता है। रिसाइकल बिन का जरूरत होता है अगर कोई यूजर के इनसे डेटा डिलीट होता है तो आप डेवलपर एज ए डेवलपर उसको फिर से रिकवर करके वापस यूजर को दे सकते हैं। अब इसका बेनिफिट ये है कि जब आप रोल डिफाइन करते हैं तो आप क्या करें कि डिलीट का जो ऑप्शन है वो किसी लिमिटेड पर्सन को या एडमिन को ही केवल दें, जो बाकी यूजर्स हैं, अकाउंटेंट हैं, स्टाफ हैं या स्टूडेंट हैं, इस टाइप के जो भी हैं उनको जब भी डिलीट का ऑप्शन दें तो उनको रिमूव का ऑप्शन दें। और रिमूव करने से बेनिफिट ये होगा कि कभी भी आपका डेटा डिलीट नहीं होगा, और जब भी आपका जो ओनर हैं, जो सॉफ्टवेयर के वेब एप्लीकेशन के ओनर हैं, वो अगर डेटा का रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि वो पर्टिकुलर डेटा हमको चाहिए तो आप उनको रिकवर करके दे सकते हैं। यह है हमारा रिसाइकल बिन प्रॉपर्टी। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहे वीडियो में। आगे के सीरीज में हम लोग और कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।